हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं और इसी पहचान को उन्होंने रोहतक में भी मजबूत किया है। आपको यहां बता दें कि एक के बाद एक अधिकारी कर्मचारी और पुलिस प्रशासन के मुलाजिमों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए नजर आए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि विज का सस्पेंशन अभियान इतना तेज हुआ, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम बताते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज रोहतक में एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आए। रोहतक में जहां अनिल विज ने ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में लोगों की समस्याओं को सुना, तो दूसरी ओर अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही पर सीधे एक्शन लेते नजर आए। ग्रीवेंस मीटिंग में मंत्री विज ने कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी को लोन देने में आनाकानी करने पर सस्पेंड करने का फरमान सुना दिया। विश कहते आई है, उसमें हमने कार्रवाई की है और एक कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी को आज सस्पेंड भी किया है, क्योंकि वो लोगों को लोन देने में अनियमितता बरत रहे थे, उनको किया। गृह मंत्री अनिल विज की कार्रवाई सिर्फ जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक तक सीमित नहीं थी, बल्कि पुलिस प्रशासन में पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी विज ने सवाल उठाए और सीधे सस्पेंड करने का आदेश सुना दिया। सिविल लाइन थाने पर कार्रवाई करते हुए अनिल विज ने एसएचओ समेत कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया। अपने तीखे तेवर दिखाते हुए विज ने साफ कहा कि एसएचओ अपना प्राइवेट थाना चला रहा था। एक एसएचओ नरेश खादियर, एक मुंशी, क्या नाम है मुंशी का, वीरेंद्र, एक हेड कांस्टेबल और तीन आदमी वो जिनके हथियार हैं। जी, अब वो ये इन्वेस्टिगेशन में हंडा साहब बताएंगे कि किस किस के हथियार थे। विज ने पुलिस मुलाजिमों पर की गई कार्रवाई के पीछे की वजह भी बताई। कहा गया कि थाने से दो कार्बाइन और पिस्तौल बरामद हुई। पूछने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मंत्री विज ने पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने का ऑर्डर सुना दिया। अनेकों दस्तावेज हमें मिले, हमने ले लिया अपने कब्जे में, जिनकी कार्रवाई नहीं की है। बहुत सारी FIR की कॉपीज भी मिली है, वो भी हमने अपने रिकॉर्ड में ली है, जो कि जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था उनको देनी चाहिए थी, उनको नहीं दी गई है। SHO समेत पुलिस कर्मी और बैंक अधिकारी को सस्पेंड कर एक बार फिर से विज ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी अधिकारी अपने काम में कोताही बरतता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया ही जाएगा। खबर अभी तक के लिए रोहतक से देवेंद्र दांगे की रिपोर्ट।